हम कहा मध्य प्रदेश में मुसलमान है कि नहीं है, कहें बिल्कुल है। हम कहा मध्य प्रदेश में वहाँ जगह बीजेपी की सरकार कैसे जी आप जाते हो जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हो। तो भाई बहन अगर हमने शिक्षा के सवाल को लेकर, रोजगार के सवाल को लेकर, जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न के सवाल को लेकर, आवास शौचालय पेंशन दवाई के सवाल को लेकर, अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के सवाल को लेकर अगर ओबीसी से हमने अलायंस कर लिया यही बिहार में, तो आप लोग ओबीसी ने पूरा खेला खराब कर दिया था। ओबीसी ने गठबंधन बना था बहन मायावती जी का, ओबीसी साहब प्रजापति जी का, हम लोगों ने 34 सीट पर समीकरण बिगाड़ा था, 23 सीटों पर 2000 के कम वोट से आरजेडी को हराए थे और 11 सीटों पर बीजेपी को हराए थे। जितनी सीट आरजेडी ने कांग्रेस को दिया था उसकी आधी भी हमको दे दिए होते तो हम लोग आज कई सीटों पर पांच मारे हैं। हाँ। एक तो मायावती की निकली, पांच ओबीसी की निकली, तो वही कह रहे हैं। और कई सीटों पर जो है उन्होंने जो जो उधर मुस्लिम साइड अच्छा हमको जो सीटें मिली थी ना, हमारी सीटें कमजोर, खेला ना खराब करें आप लोगों का। ओबीसी जी अकेले, मैंने कहा ना अकेले बीजेपी से कोई नहीं लड़ सकता। नहीं वो बीजेपी से कहाँ लड़ने आ रहे हैं, आप भी कहते हैं, मतलब आप नहीं कहते हैं कि आप अभी तक उनके साथ थे, लेकिन अखिलेश जी कई बार कह चुके हैं बीजेपी के भी हैं। मुसलमान भी जागरूक हो गए, वो भी समझता है। हाँ इसलिए जागरूकता के लिए तो कहता है ना कि ये ना रहे कि सरकार बने, अखिलेश जी का तो कहना पड़ेगा कि यादव जी की सरकार है या यादव है मामले में। यही बीजेपी महंगाई के सवाल को लेकर केंद्र और प्रदेश में सरकार बनाई, लेकिन महंगाई के सवाल को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता में ले आया, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हम लोग भाई बीजेपी को भारतीय जनता पार्टी कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी के जाते ही मान बीजेपी भारतीय झूठ पार्टी हो गई, सब गुजरातियों का कब्जा हो गया है। बैठना हो तो